हेलो मेरे भाइयों, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना भाई कमल हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। टेक पत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मेरे भाई का मैसेज आया था, एक सब्सक्राइबर है हमारे, एक भाई का मैसेज आया था कि वो बोल रहे थे भी, वो कह रहे थे मेरा जो फ़ोन है वो 2.4 GHz को सपोर्ट करता है और एक फ़ोन है वो 5 GHz को सपोर्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो 2.4 GHz है, जो पहले स्मार्टफोन आते थे जो ओल्ड होते थे, है ना, उनमें जो वाईफाई एंटीना लगा होता था दोस्तों, वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी सबसे पहली बात। तो वो 5 GHz को सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं करेगा, चाहे आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो 5 GHz को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तो एक ना इसका जो, अगर आप मिक्स यूज़ करना चाहते हैं ना, तो इसका हल पता क्या है, एक ना राउटर आता है दोस्तों, आप शाओमी का राउटर ले सकते हैं ना, आप लैन केबल से अपनी नेट प्लस की लैन केबल को उसके वैन पोर्ट में लगा दें। जो आप नया वाईफाई राउटर लेंगे ना, चाहे शाओमी का लें, वैसे मैंने शाओमी में देखा है, और में मैंने अभी ट्राई नहीं किया। शाओमी में क्या करना है आपको, अपने नेट प्लस के लैन पोर्ट को वैन पोर्ट में लगा देना है। उसमें एक सेटिंग आती है दोस्तों कि आप 4 GHz, 2.4 GHz और 5 GHz को कंबाइन कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपके फ़ोन में 2.4 GHz ही सपोर्ट करता है, अगर स्पीड कम आ रही है, तो वो राउटर जो आपका है वो क्या करेगा, वो आपको स्पीड को कंबाइन करके आपको देगा। तो इससे आपका अगर पुराना फ़ोन भी है ना, 2.4 GHz, अगर 4G फ़ोन भी है आपके पास जो 5 GHz को सपोर्ट नहीं भी करता ना, तो आपको स्पीड अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप राउटर कम से कम 2000 रुपये का तो आएगा ही ना दोस्तों, 2000 से अबाव भी होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड अच्छी लेने का यही फ़ायदा है। और कोई दोस्तों चांस नहीं है कि आप अपने ओल्ड फ़ोन को अच्छी स्पीड ले पाएँ, मतलब 5 GHz वाली स्पीड ले पाएँ, अच्छी स्पीड ले पाएँ, अगर आपका 100 Mbps वाला प्लान है तो। यही है दोस्तों 5 GHz वाले में क्या होगा, 5 GHz अगर आपका नया फ़ोन है, उसमें नई टेक्नोलॉजी की वाईफाई एंटीना लगी है हमारे फ़ोनों में, एंड्रॉयड फ़ोनों में, तो आपको उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, है ना। यही बात है, पुराना फ़ोन है तो आपको राउटर लेना पड़ेगा। राउटर को दोस्तों आपको एक उस राउटर में सेटिंग करनी पड़ेगी, जो आपको नया राउटर लेना पड़ेगा शाओमी का, ठीक है, उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। उसमें कंबाइन कर सकते हैं 2.4 GHz और 5 GHz को। और मेरे एक भाई कह रहे थे कि, है ना, हमें वाईफाई की रेंज बढ़ानी हो, रेंज बढ़ाने के लिए दोस्तों कोई भी सेटिंग्स नहीं होती है ना, आप जो डिफ़ॉल्ट आपके घर में लगा हुआ है एंटी, अपने राउटर लगा हुआ है ना, उसके एंटीना में कुछ छेड़छाड़ करके दे लो कुछ इतना। आप, हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप एक नया राउटर ले सकते हो और उसके लैन पोर्ट से RJ45 लगा के आप उस नए राउटर में, वैन पोर्ट में लगा के उसको आप एक कह सकते हैं एक एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं, एक मतलब कि आप दूर, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप अपने कमरे से बहुत दूर हैं, आप दूसरी तीसरी मंजिल में रहते हैं, आपका नीचे वाले फ्लोर में आपका जो वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है वहाँ ऊपर से रेंज नहीं जा रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नया राउटर लें, RJ45 लगाएं और वहाँ पे स्पीड आपको अच्छी मिलनी शुरू होगी। जहाँ पे आप रहते हैं उसके नज़दीक ही आप अपना जो नया राउटर है वो लगा लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी दोस्तों आप ये झमेले में नहीं पड़ना चाहते, आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आप छोटी सी सेटिंग करके देख लें। अगर आपको 2.4 GHz में स्पीड अच्छी मिल रही है इस सेटिंग करने के बाद, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए मैं आपको डिस्कटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ, आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो सेटिंग आपके जो राउटर में ऑलरेडी है, तो फिर आपको यही प्रोसेस करना होगा। अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ये वाली सेटिंग कर लेनी है। सिर्फ आपको 2.4 GHz को छेड़ना है, 5 GHz को आपको नहीं छेड़ना। आइए चलते हैं डेस्कटॉप में। तो दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है, ये IP डाल लेनी है जो भी आपके मॉडेम के पीछे लिखी है, जो कि आपको आपको वेंडर को पूछ लेना है, और यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डाल लेना है। कैसे डालना है मैंने पिछली पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है।
लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये मेरा नोकिया का जो जो राउटर है, तो लॉगिन करने के बाद आपको नेटवर्क पे जाना है, और जब आप नेटवर्क पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा वायरलेस 2.4 GHz, इस पर क्लिक करेंगे। और 2.4 GHz पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों बैंडविड्थ। बैंडविड्थ देखिए, अगर आपके यहाँ पे 40 MHz आता है तो ठीक है, जो अगर आपके 20 MHz, जैसे कि अगर आपके डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखाएगा ना 20 MHz, आपके है ना डिफ़ॉल्ट मोस्टली दोस्तों, कई जो हमारे भाई होते हैं उनके नेट प्लस के जो राउटर में यही सेटिंग होती है 20 MHz, उसको बदल के आपको कर देनी है 40 MHz। ये मैं 2.4 GHz वाले में बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 40 MHz ये बंद कर देना, यही करना 40 MHz, और सारी सेटिंग वही रखनी है, कुछ चेंज नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है ना। सेव करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है दोस्तों, वो पहले से काफ़ी बेटर आ रही है 2.4 GHz में, ठीक है दोस्तों। स्पीड बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है। GHz नहीं सपोर्ट करता तो आपको राउटर लेना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शाओमी का राउटर लें। शाओमी का राउटर आता है एक जो 5 GHz वाला है, वो लें। उसकी से अगर आपके उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास डिस्कटॉप नहीं है ना, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उनका एक एप्लीकेशन आती है, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं राउटर की, है ना, जो शाओमी वाला है। ये फ़ायदा है उसका। और वो 2.4 GHz और 5 GHz को इकट्ठा कर देता है, और उसका ये फ़ायदा है दोस्तों। अगर आप को नहीं मालूम पड़ता कि वो कौन सा राउटर है, तो मैं आपको उसका नाम नीचे कमेंट में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता तो वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन हिट द लाइक बटन, और कमेंट करना कुछ भी पूछना है तो दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा, धन्यवाद करता हूँ।